कश्मीर न्यूज सर्विस प्रेजेंट। देखिए, जहां तक स्टेट हुड की बात, जो आज मैंने भी देखा एक दो दिन से, सभी पार्टीज जो है, सभी नहीं, कुछ पार्टीज इस पे जो है बड़ा जोर लगा रही है कि स्टेट हुड वापस होना चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त ये हमारे लिए कोई बड़ा मसला है स्टेट हुड। स्टेट हुड तो वापस देना ही देना है उनको। अगर आपको याद होगा, या हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में ये इसका स्टेट हुड की बात पूरे हाउस में की है कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड का दर्जा वापस देंगे। उसके बाद इनके जनरल सेक्रेटरी राम माधव जी ने भी कहा, तो ये कोई नया इशू तो है नहीं। मुझे लगता है इन पार्टियों को जो है इनको क्लियर करना चाहिए, जो आप कह रहे हैं 370 और 35 एक, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये फिर सिर्फ स्टेट हुड पे बात कर रहे हैं, 370 और 35 ए पे तो इनका, इनको क्लियर करना चाहिए। इस वक्त लोग जो है, लोग सुनना चाहते हैं, हर एक पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि हमारा क्या स्टैंड है। जहां तक सवाल है 370 और 35 ए का, हमारा तो बिल्कुल, अगर आपको याद होगा, हमारा स्टैंड क्लियर है कि ये हमारा एक जो 370 और 35 ए जो है, ये कोई यही एक जो उस वक्त के प्रधानमंत्री और हमारे इस वक्त के जो इस स्टेट के जो उस वक्त के सदर थे या जो भी था, तो उनका, उनके बीच में एक एग्रीमेंट के जरिए ये जो हमें मिला था, ये कोई हमें पाकिस्तान ने तो नहीं दिया था, ये तो इसी देश ने दिया था। इस पर बात करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन सभी पार्टीज को सामने आना चाहिए किस पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है। जहाँ तक हमारा तो क्लियर है, मैंने उस दिन भी कहा है कि आज भी कहूँगा, 5 अगस्त का जो दिन है वो हमारे लिए एक बदतरीन दिन था, और मैं आज भी कह रहा हूँ, और मैं इन सभी पार्टी से कहना चाहता हूँ कि आपको भी क्लियर करना चाहिए कि आपका स्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज सर्विस।